हाय दोस्तों, भारतीय बाज़ार में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की डिमांड जो है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में गुजरात बेस्ड वाइट कार्बन ने अपने GT5 इलेक्ट्रिक स्कूटर को शानदार लुक के साथ में पेश किया है। बता दें कि वाइट कार्बन GT5 को कंपनी ने 1,15,000 रुपये कीमत पे उतारा है, जो कि कंपनी की एक प्रमुख मॉडल है और ये जो है काफ़ी शानदार लुक और स्पोर्टी लुक के साथ में आती है। साथ ही में इसमें प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे जो है ये स्कूटर जो है प्रीमियम स्कूटर्स के सेगमेंट में आती है। इसमें एक डिजिटल स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर, साथ ही में इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टेल लैम्प और टर्न इंडिकेटर के साथ में लो बैटरी इंडिकेटर भी दिया गया है। इसमें पूरी तरह से फुल LED लाइटिंग भी दी गई है। इस स्कूटर में आगे और पीछे 120/70 R12 ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। साथ ही में एलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ में इलेक्ट्रिक स्कूटर में राइड बैक सपोर्ट भी दिया गया है। साथ ही में प्रीमियम फीचर्स की बात करें तो इसमें USB चार्जिंग और साइड स्टैंड इंडिकेटर के साथ में आरामदायक सीट भी दी गई है। इसमें अगर हम बात करें इसके साइज के बारे में तो इसकी लंबाई 1850 मिलीमीटर है, चौड़ाई 675 मिलीमीटर है, ऊंचाई जो है वो 1370 मिलीमीटर रखी गई है। वहीं इसका व्हील बेस 1140 मिलीमीटर रखा गया है। जानकारी के अनुसार इसका पेलोड क्षमता 245 किलोग्राम के आसपास है, जबकि इसका टोटल वेट जो है वो 170 किलोग्राम है। इसके मोटर की बात करें तो GT5 में 3 किलोवाट की बॉश इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो कि एक BLDC मोटर है। इसमें जो है मैक्सिमम पावर जनरेट करती है और 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। साथ ही में इसमें 2.4 किलोवाट आवर वाला लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, जो कि आपको 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है। इस स्कूटर की अधिकतम रफ्तार यानी कि स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये पकड़ लेती है। तो ये जो स्कूटर है काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं और गुजरात में फिलहाल इसे लॉन्च किया है। पूरे भारत में अभी तक इसे भेजा नहीं गया है, लेकिन लुक और डिजाइन के मामले में और ड्राइविंग रेंज के मामले में ये काफ़ी शानदार दिखती है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी इसका डिज़ाइन भी दिया गया है। कमेंट में आप ज़रूर बताएं ये स्कूटर जो है आपको कैसे लगी, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।